नमस्कार, एएसबी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना मद्देशिया। आइए रुख करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। आज दिनांक 24/2/2024 को पुलिस अधीक्षक जनपद मैनपुरी के कुशल निर्देशन में परिवार परामर्श केंद्र का आयोजन किया गया। आज 52 पत्रावलियों पर सुनवाई की गई तथा 3 पत्रावली पर विदा की गई। संकेत कुमार पुत्र ध्रुव सिंह निवासी कन्ही मौजा फैजपुर थाना घिरौर जिला मैनपुरी की शादी निशा पुत्री सुरेंद्र निवासी नगला फोंडर थाना दन्नाहार जिला मैनपुरी के साथ 25/2/2022 को हिंदू रीति रिवाज से संपन्न हुई थी। शादी के बाद से आपसी विवाद के कारण करीब 1.5 माह से दोनों पक्ष अलग रह रहे थे। दोनों को आज इस केंद्र पर बुलाया गया और समझाया बुझाया गया। दोनों पक्षों की सहमति से आज इस केंद्र से विदा किया गया। संवेदना पुत्री रामबाबू निवासी मोहल्ला गढ़ी वार्ड नंबर 1 कस्बा व थाना किशनी जनपद मैनपुरी की शादी उपेंद्र कुमार पुत्र सियाराम निवासी आजाद नगर थाना कोतवाली जिला मैनपुरी के साथ 8/5/2008 को हिंदू रीति रिवाज से संपन्न हुई थी। ये करीब 6 माह से अलग रह रहे थे। दोनों को आज इस केंद्र पर बुलाया गया और समझाया बुझाया गया। दोनों पक्षों की सहमति से आज इस केंद्र से विदा की गई। कविता पुत्री स्वर्गीय जगबीर निवासी मकान नंबर 552 हिंदूपुरम कॉलोनी थाना कोतवाली जिला मैनपुरी की शादी तरुण पुत्र मुकाम सिंह निवासी ग्राम दीपा थाना जैथरा जिला एटा के साथ 8/7/2022 को हिंदू रीति रिवाज से संपन्न हुई थी। ये करीब 5 माह से अलग रह रहे थे। दोनों को आज केंद्र पर बुलाया गया, समझाया गया और दोनों पक्षों की सहमति से केंद्र से विदा की गई। इस मौके पर महिला उपनिरीक्षक जयप्रकाशी परामर्श केंद्र के काउंसलर मुजम्मिल मिर्जा मंजूषा चौहान मनोरमा सिंह कुमारी आराधना गुप्ता ममता चौहान हेड कांस्टेबल कल्याण सिंह महिला हेड कांस्टेबल मीनू महिला हेड कांस्टेबल कुसुम चाहर आदि मौजूद रहे। कितनी फाइलें थी और कितनी हुई है फाइनल हुई है और कितनी बैकअप हुई है? आज टोटल 53 फाइल थी और जिसमें से 3 विदाई हो चुकी हैं। अभी तक शाम बाकी है, हो सकता है 5 तो अभी और होने की स्थिति में। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर किस तरह के विवाद आते हैं, विवाद न विवाद की जड़ बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें लेकर के आपस में पति पत्नी बिगड़ जाते हैं और कंडीशन यहाँ तक आ जाती है कि एक दूसरे से अलग रहने की बात दोनों ही सोचते हैं कि मुझे नहीं जाना। और आप देखिए वहीं पर परिवार परामर्श केंद्र एक अपना काम करता है कि दोनों को बिठा करके उनकी जो भी गले सिकवे हैं उनको हम दूर करने का काम करते हैं। और आप देखते हैं कि इसी कड़ी में 3 विदाएँ आज हम लोगों ने की। अभी एक विदाई जो लास्ट हुई है उसमें लड़की का भाई बिल्कुल भी नहीं चाह रहा, कह रहा मैं नहीं भेजूंगा मेरी लड़की मेरी बहन को जान का खतरा है। हम लोगों ने वहाँ पर दोनों से पति पत्नी से बात किया, दोनों को एग्री कर लिया, दोनों साथ रहने को राजी हो गए, लेकिन भाई अभी भी नाराज होकर के घूम रहा है। तो ऐसी स्थितियाँ भी होती हैं जहाँ परिवार वाले बीच में आड़े आ जाते हैं, लेकिन हम लोग उन मुश्किलों को भी पार करते हुए उनका घर बसाने का कार्य करते हैं। और आप देख रहे हैं इसी क्रम में लोग वहाँ से खुश होकर के जाते हैं। ये परिवार परामर्श केंद्र का अपना एक अच्छा काम है। तो आज की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।